अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अब खैरियत से हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं कुछ टाइम से आप लोगों के साथ अपने व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही थी, तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो अब मेरा व्लॉग इंशाल्लाह आप लोगों को मिलता रहेगा। आज इस व्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, क्या करती हूँ, आज आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठ के पानी पीती हूँ एक ग्लास, जो मैं रात में ही अपने साइड टेबल पर रख लेती हूँ, और सुबह उठते ही सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ। और उसके बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, कभी हाफ फ्राई, कभी बॉयल एग और टोस्ट या रस पापे, बस इससे ज़्यादा कुछ नाश्ते में वो नहीं खाते हैं। तो अभी मैं हाफ फ्राई बनाने लग गई हूँ और अब मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता देने लग गई हूँ और वो पियेंगे चाय। मेरे हस्बैंड 7:30 तक ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और अब वो जाने लग गए हैं ऑफिस। उसके बाद अब मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होगा। और अब टाइम हो चुका है सुबह के 8 और अब मैं अपना फेस वॉश करने लग गई हूँ और टूथब्रश करने लग गई हूँ। ये टूथब्रश काफ़ी अच्छा है, इलेक्ट्रिक टूथब्रश है और ये मुझे बहुत पसंद आया। इससे क्लीन हो जाते हैं आपके टीथ बहुत जल्दी और काफ़ी लंबे टाइम के लिए। और अभी मैं अपना फ़ेस वॉश करूँगी। मैं गार्नियर का क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश यूज़ करती हूँ और मैंने इसको काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे काफ़ी पसंद आया है और ये मुझे काफ़ी सूट भी करता है मेरी स्किन को। और अब मैं अपने रूम में आ गई हूँ और मैं अपने फेस को ड्राई करूँगी टिश्यू से। और उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ फेस सीरम। ये O3 का फेस सीरम है और ये मैंने नायका से ऑर्डर किया था इंडिया में जब मैं थी, और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे और इससे मेरी स्किन काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है, तो मैं इसे डेली ही यूज़ करती हूँ। और अब उसके बाद टाइम हो गया है नाश्ते का, सुबह के 9 बज रहे हैं अब, और अब मैं अपने नाश्ते के लिए किचन में आई हूँ और सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। तो मैंने फिर चाय बनाने का सोचा, क्योंकि सुबह सुबह बस मेरा चाय का ही दिल करता है और जब एक्सरसाइज और डाइट करती हूँ तो मैं ओट्स ले लेती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं डाइट पे नहीं हूँ। हाँ, मुझे करना है, सोच रही हूँ इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगी बहुत जल्दी। और जिस जिस को मेरे साथ ज्वाइन करना है बताइएगा, साथ में ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। और अब नाश्ते के बाद मेरा सबसे पहला काम रहता है अपने बेड को सही करना। मुझे मैसी बेड बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो सबसे पहले मैं कंफर्टर को सही करूँगी, बेडशीट को झाड़ूँगी। मैं वीकली बेडशीट चेंज करती हूँ फ्राइडे फ्राइडे, यहाँ पे फ्राइडे ऑफ रहता है और सैटरडे, तो आज थर्सडे है इसलिए मैं आज नहीं चेंज करूँगी, मैं कल करूँगी, कल फ्राइडे है। और अब मैं झाड़ू लगाऊँगी, अपने घर को साफ़ करूँगी। और यहाँ पे सबसे टॉप पे है मेरा, तो काफ़ी डस्ट आता है। और ये मॉप मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था यहाँ पे अमेज़ॉन से, ये मैंने इंडिया में भी इसको यूज़ किया है और ये मुझे बहुत पसंद आया। ये फ्लैट मॉप के नाम से है, ये मुझे शॉप्स पे नहीं दिखा, ये मुझे सिर्फ ऑनलाइन ही दिखा है और ये बहुत ही मुझे कन्वीनियंट लगा। ये बहुत लाइट वेट है, इसमें ज़्यादा हैवी नहीं है इसका वेट। और वैसे मैंने जो और भी मॉप यूज़ किए हैं उससे मेरे हाथों में शोल्डर में पेन होने लगता था, बट मुझे इससे बिल्कुल नहीं पेन हुआ, ये बहुत अच्छा है। और अब सफाई के बाद मैं डेली ऊद जलाती हूँ, इससे घर में काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस रहती है और घर काफ़ी फ्रेश लगता है। तो ये मेरा डेली का रूटीन है कि मैं ऊद ज़रूर जलाती हूँ, और किस दिन ऊद नहीं जलाती हूँ तो मैं उस दिन स्प्रे करती हूँ। और अब टाइम हो चुका है 11 और मैं जाने लग गई हूँ शावर लेने। और इतना काम करने के बाद तो बिना शावर लिए किसी को भी सुकून नहीं आता होगा, तो अब मैं शावर लूँगी और मैंने अपने लिए ड्रेस चूज़ किया है। और शावर के बाद तो मुझे ज़बरदस्त वाली भूख लग गई थी क्योंकि काम करके बहुत थक गई थी, तो ये लेफ़्ट ओवर दाल चावल है, रात में मैंने बनाया था ब्लैक वाली दाल। तो अब मैं अपनी नेटफ्लिक्स को एंजॉय करते हुए अपना लंच करूँगी।
आजकल मैंने नेटफ्लिक्स पे एक नई सीरीज़ को देखना स्टार्ट किया है, एमिली इन पेरिस। बहुत मज़े की है, आप भी एक बार देखिएगा। मैं पेरिस जा चुकी हूँ और जब मैंने ये देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस उन्हीं पलों में वापस चली गई हूँ, तो इसलिए मुझे ये सीरीज़ बहुत मज़े की लगी। और अब उसके बाद ढेर सारे बर्तन मेरा वेट कर रहे थे और मैं किचन में आके इन्हें सफाई करने लग गई। और अब बर्तन धोने के बाद मैं बैठ जाऊँगी एडिटिंग करने, और मैं दोपहर में ही कोशिश करती हूँ कि एडिट कर लूँ, और जब कभी बहुत ज़्यादा रहता है तो फिर मैं इवनिंग में भी करती हूँ, और मुझे एडिटिंग करने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और अब मेरे पेन की चार्जिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई थी तो मैंने उसको चार्ज पे लगा के हस्बैंड के लिए लंच तैयार करने लग गई। और अभी टाइम हो रहा है 3:30 और मैं बनाऊँगी पनीर। और अभी हस्बैंड 5 बजे आ गए थे जिसे मैंने शूट करना भूल गई थी, और उसके बाद मैंने शाम की चाय बनाई है और उसके साथ मैंने चिकन फ्राइज़ फ्राई किया था विद मेयोनीज, और ये मैं इंडिया से लेके आई थी मेयोनीज। और अब मैं बाहर जाने लग गई हूँ, कल फ्राइडे है, यहाँ पे ऑफ रहता है, तो मुझे ग्रोसरी करनी थी और कुछ मेकअप की चीज़ें भी लेनी थी, तो अब मैं फिर से जाने लग गई हूँ फ्लेमिंगो मॉल। ये मेरे घर के बहुत नज़दीक है, ये अजीज़िया में है, और मैं ज़्यादातर फ्लेमिंगो मॉल जाती हूँ। यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी बच्चों की, और मेकअप का कलेक्शन भी यहाँ पे बहुत अच्छा है जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पे छोटे गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी क्यूट सी क्लिप्स हैं, हेयर बैंड्स हैं, और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में है। और ये सबसे अच्छी बात है कि आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्रॉकरी और बच्चों का सामान, टॉयज और मेकअप, सब कुछ। और बहुत अच्छी रेंज है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, पैसे भी काफ़ी मुनासिब हैं यहाँ पे। और ये नेकलेस है गर्ल्स के लिए, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे ब्रेसलेट भी बहुत प्यारे प्यारे से थे, बहुत क्यूट थे और काफ़ी अच्छे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन थे, और किसी में बर्ड्स बनी है, किसी में बटरफ्लाई, और बहुत अच्छे, बहुत क्यूट लगे मुझे। और अभी आप लोग देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे मेकअप के कलेक्शन है, बहुत ही मतलब वैसे भी सऊदी तो खैर फेमस है ही मेकअप के लिए, यहाँ पे जो मेकअप होते हैं चाहे वो ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो, आपको सब मेकअप तो बहुत अच्छा मिलता है। और मेरा जो आई शेड से मैंने काफ़ी अच्छे कलेक्शन कर रखा है, लेकिन वो यहाँ पर मैं नहीं ला पाई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे यहाँ पे आना है, तो मैं ऐसे ही आ गई। इस वजह से फिर मेरे पास कोई भी आई शेड नहीं था, तो मैं वही लेने आई हूँ। और आप ज़रा चेक कीजिए कितने खूबसूरत शेड हैं और इसकी पिगमेंटेशन कितनी ज़बरदस्त है। मैं इंशाल्लाह आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में मेकअप करके दिखाऊँगी कि मुझे जितना भी आता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन शेड है, और ये हाइलाइटर है, और ये आई ग्लिटर है, बहुत ज़बरदस्त। और पैसे भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव हो, 25-35 रियाल से ज़्यादा का कुछ भी नहीं है।
और यहाँ पे लिपस्टिक्स के शेड्स भी बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, लेकिन अभी मुझे लिपस्टिक्स की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि फ़िलहाल तो मेरे पास है, लेकिन इंशाल्लाह मैं लूँगी और आपको दिखाऊँगी। और इसकी पिगमेंटेशन वाकई में बहुत अच्छी, वो तो आपको देख के ही पता चल ही रहा होगा। और मैंने ये वाला आई पैलेट परचेज़ किया था, इसका प्राइस था 35 रियाल। और ये काफ़ी सारे ही शेड थे, ऑलमोस्ट इसमें जितनी की ज़रूरत होती है आपको एक ही पैलेट में सब मिल जाएगा। तो अभी मैं इसको ट्राई करने लग गई हूँ कि ये सब सही है, टूटा फूटा तो नहीं है। तभी लेडी मुझे चेक करवा रही है और देखिए इसमें सारे शेड्स हैं, लाइट, डार्क, ग्लिटरी सब। मेरा दिल इस ब्लशर पे आ गया था लेकिन मैंने लिया नहीं है क्योंकि है मेरे पास, तो आप दो दो चीज़ें करके क्या करोगे। और ये देखिए, ये हुडा ब्यूटी की तो कॉपी ही है लेकिन ओरिजिनल से कम नहीं थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी ये भी। और ये प्राइस तो चेक कीजिए, ओनली 25 रियाल। और 25 रियाल के लिहाज से ये मतलब बहुत अच्छी थी। और अब मैं यहाँ पे देखूँगी अपने लिए आर्टिफिशियल नेल्स, मेरा बहुत मन कर रहा है काफ़ी दिन से नेल्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं बढ़ाती नहीं हूँ क्योंकि सुनते हैं कि लंबे जो नेल्स होते हैं उनसे पानी मखरू हो जाता है, नहीं पीते हैं पानी, तो इस वजह से आर्टिफिशियल लूँगी, शौक का शौक पूरा हो जाएगा और कुछ मखरू भी नहीं होगा। तो मैंने फिर इसीलिए आर्टिफिशियल नेल्स लिया है और इसको मैं लगा कर देखूँगी कि कैसे लगते हैं मेरे हाथ। अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं ना जब नेल्स लंबे हों और अच्छे अच्छे से नेल पेंट लगी हो, तो हाथ बड़े खूबसूरत हो जाते हैं। और अब ये देखिए कितने क्यूट से प्यारे से हेयर बैंड हैं बच्चों के, बच्चों की चीज़ें माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी सी हैं यहाँ पे। ये सारी की चेन हैं जिसे आप अपने हैंड बैग में और अलमीरा की में लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से क्यूट से की चेन थे, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत ही नहीं थी, बेज़रूरत क्या फ़ायदा है चीज़ें लेने से, तो फिर मैंने नहीं लिया। और अब हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है और अब मैं जाने लग गई हूँ। और जाते जाते देखिए ज़रा हमें क्या देख गया, हम गर्ल्स को तो हर जगह अपनी चीज़ें ज़रूर नज़र आ जाती हैं। और अब बस अब हम बिलिंग कराएंगे और अब निकलेंगे यहाँ से जल्दी जल्दी, वरना जितनी देर में रुकूंगी तो मैं बस चीज़ें ही खरीदती रहूँगी। मुझे मेकअप का बहुत शौक़ है ना इस वजह से। और अब मैं आ गई हूँ डोनट्स लेने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ हैं डोनट्स में, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप डोनट्स ले सकते हैं और मुझे डोनट्स बहुत पसंद है, मैं ज़रूर यहाँ पे आके डोनट खाती हूँ और कॉफ़ी भी पीती हूँ। पहले मुझे डोनट्स इतने पसंद नहीं थे, मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, बस मैं सोचती थी तो मुझे सोच के नहीं अच्छा लगता था। फिर एक बार मैं DLF मॉल में गई थी दिल्ली में अपने कज़िन और अपनी सिस्टर के साथ, तब मेरे कज़िन ने मुझे वहाँ पे खिलाया था एकदम फ्रेश गरम गरम डंकिन डोनट्स का था, तब से मुझे डोनट इतना पसंद है, मेरा फेवरेट हो गया है। तो अभी मैं फ्लेमिंगो मॉल के ग्राउंड फ्लोर पे मैं बैठी हूँ और यहाँ पे बहुत बच्चे माशाल्लाह इतना खेलते हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा, तो मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम स्पेंड करती हूँ और घंटों घंटों मैं यहाँ पे आके बैठ जाती हूँ और बच्चों को खेलते हुए देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे।
तो मैं तो इन्जॉय करने लग गई हूँ अपने डोनट्स को, जो कि बहुत डिलीशियस, बहुत यमी था। और आई होप आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा मेरे व्लॉग को, मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।